सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। तुर्की ने ईरान को खुली धमकी दी है और सीधा हमले की धमकी दी है। ध्यान से इस मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट को सुनिए। और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता रहा हूं, अजरबैजान और आर्मीनिया बिल्कुल जंग के मुहाने पर आ चुके हैं। कल की रिपोर्ट में मैं आपको सारे सबूत दिखा चुका हूं। मैंने आपको बताया और दिखाया कि दोनों देशों की सेना अपने हाई लेवल के खतरनाक हथियारों के साथ बॉर्डर पर तैनात हो गई है। ऐसे में ईरान ने अजरबैजान को धमकी दे दी कि कोई भी हरकत करी तो जवाबी कार्रवाई हम करेंगे। इसके बाद अब तुर्की ने अजरबैजान के समर्थन में आकर ईरान को लताड़ लगा दी और खुला धमकी दे दी। ईरान को धमकाते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने यह बात कही है कि अगर अजरबैजान के मामले में ईरान ने उंगली करी, हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया तो तुर्की की सेना जवाबी कार्रवाई करेगी, उससे पीछे नहीं हटेगी। आप देख रहे हैं सेना की धमकी, हमले की धमकी सीधा तुर्की ने ईरान को दे दी। हालांकि ईरान ने इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है, वो इसलिए क्योंकि रजाग्राफी है ही इतना तेज कि अभी ईरान के जवाब देने से पहले मैं आपको एक खबर दे रहा हूं। अभी आगे कुछ होगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसी बात पर रजाग्राफी चैनल को, हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। और अभी ऐसी चौंका देने वाली खबरें इस रिपोर्ट में आगे और आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आखिर आर्मीनिया के समर्थन में आर्मीनिया का साथ क्यों दे रहा है ईरान। सबसे बड़ा सवाल यह था, मेरे भी दिमाग में कल तक यही था, रिसर्च करी है, डिटेल अब आपको बताऊंगा। तैयार हैं? सुनिए, आर्मीनिया का बॉर्डर ईरान से मिलता है और ईरान खास अपना जो साजो सामान एक्सपोर्ट यूरोप में करता है वो आर्मीनिया के रास्ते से करता है। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात? आर्मीनिया के रास्ते का इस्तेमाल करके यूरोप तक अपने सामान को बेचता है ईरान। अब आर्मीनिया भी ईरान के किसी सामान को, किसी भी ट्रक को, किसी भी साजो सामान को रोकता नहीं है रास्ते में। किसी भी रास्ते से बड़ी ही आसानी से ईरान आर्मीनिया के रास्ते यूरोप में अपना सामान भेज देता है। और एक खास करके एक इलाका है जिस पर आर्मीनिया के, उस इलाके पर अजरबैजान कब्जा करना चाहता है, खास वो इलाका है जंगीजोर। जंगीजोर के इलाके में जो आपके मैप में है, स्क्रीन पर इस मैप को ध्यान से देखिए, ये जंगीजोर का वो इलाका है जिस पर अजरबैजान आर्मीनिया के इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है जंगीजोर के। अब जंगीजोर में एक अहम रास्ता है जिसका नाम ही जंगीजोर कॉरिडोर है। इस जंगीजोर कॉरिडोर पर पूरी तरह से अजरबैजान का अगर कब्जा हो गया तो यूरोप में जो सामान एक्सपोर्ट करता है ईरान वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यूरोप के अंदर ईरान की पहुंच खत्म हो जाएगी अगर अजरबैजान ने आर्मीनिया के जंगीजोर के इलाके पर कब्जा कर लिया। तो आप समझिए, इसी वजह से ईरान भारी भरकम हथियार आर्मीनिया को बेच रहा है और बेच चुका है, उसको मजबूत कर चुका है और आर्मीनिया का इसीलिए साथ देता है। इसी वजह से अजरबैजान का साथ देते हुए अब तुर्की ने ईरान को धमकी दे दी है। हालांकि अजरबैजान और ईरान के रिश्ते पहले से खराब हैं, लेकिन जिस वक्त तुर्की ने ईरान को धमकी दी उस वक्त ईरान की एक सीनियर डेलीगेशन अजरबैजान में ही मौजूद थी। यानी अजरबैजान में ईरान है और अजरबैजान के समर्थन में तुर्की ईरान को ही धमकी दे रहा है। उधर अजरबैजान में सीनियर ईरान की जो डेलीगेशन है उसमें मेजर जनरल भी हैं एक ईरान के, वो अजरबैजान के सीनियर कमांडर्स के साथ ट्रॉफी पार्क में गए, अजरबैजान के बाकू के ट्रॉफी पार्क में। वो ट्रॉफी पार्क अजरबैजान का वो इलाका है जब जंग आर्मीनिया से जीती थी अजरबैजान ने, तो अजरबैजान ने आर्मीनिया के हथियार उस इलाके में लाकर जलाए थे। वहां पर ईरान के
टॉप डेलीगेशन और मिलिट्री कमांडर आज़रबैजान में उसी जगह पर गए दौरा करने के लिए। तो एक तरफ आज़रबैजान और ईरान के रिश्ते बेहतर होते नज़र आ रहे हैं और उधर तुर्की जो है ईरान को धमका रहा है। अब आप इसको कुछ भी कहिए, बड़ी खबर बता रहा हूँ, ईरान डरा है या ईरान झुठला रहा है, फैसला करेंगे आप। कल मैं आपको सबूत दिखा चुका हूँ कि ईरान ने आज़रबैजान को धमकाने वाला वीडियो जारी किया था आधिकारिक तौर पे और अपने बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती दिखाई थी। अब तुर्की की धमकी और आज़रबैजान से ईरान की डेलीगेशन के बातचीत के बाद ईरान के टॉप कमांडर ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर कहा कि ये झूठ खबर है, हमने कोई भी हथियार आज़रबैजान के खिलाफ बॉर्डर पर तैनात नहीं किया है। सुनिए, این کاملا بی اساس و زمانی که هیئت عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران در باکو حضور داره چنین اخباری قطعا بی اساسه و چند روز قبل از اون هم سردار ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر محترم دفاع جمهوری آذربایجان گفتگوی صمیمانه تلفنی داشتند و روابط بسیار خوبی بین دو کشور برقرار هست. اب قطر کے ذریعے ایک بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، قطر نے بتایا ہے ایران اور امریکہ کے بیچ سودا ہو گیا ہے، ایران 5 امریکی قیدیوں کو رہا کرے گا جس کے بدلے امریکہ ایران کے 6 بلین ڈالر ریلیز کرے گا۔ उधर ईरान के जनरल ने कहा है कि हम एक अलग लेवल की और अलग तरह की मिसाइल बना रहे हैं, वो ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, लिहाजा इजराइल को अपना डिफेंस भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम कुछ अलग हथियार बना रहे हैं। अब ईरान की ये गीदड़ भपकी समझ लीजिए या कुछ और, लेकिन जो खबर है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब ताज़ा तस्वीर है दोस्तों, ये है वो तस्वीर ईरान के लिए जो सऊदी अरब के अम्बेसडर चुने गए हैं, उन्होंने ईरान में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और अपना आधिकारिक लेटर दिया है, जिस लेटर में ये लिखा गया है, ये हमेशा होता है तमाम देशों के बीच होता है कि जब कोई देश अपना कोई डेलीगेशन अपना अम्बेसडर किसी दूसरे देश के लिए नियुक्त करता है तो वो लेटर लिख कर देता है कि ये जाना और ईरान के विदेश मंत्री को देना, जिससे वो मान जाएंगे कि हाँ आप हमारे ऑफिशियल आदमी हैं। तो वो लेटर लेकर सऊदी अरब के जो डेलीगेशन हैं, सऊदी अरब के जो अम्बेसडर हैं जो ईरान के लिए हैं, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ईरान और सऊदी अरब अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, मिसाल ईरान ने पेश कर दी है। ईरान में अभी हाल में ही एक एनवायरमेंटल प्रकृति को लेकर एक समिट होने वाला है जिसमें सऊदी अरब की डेलीगेशन हिस्सा लेगी। दोस्तों, ईरान ने भारत के साथ भी करीबी बढ़ा ली है, ईरान ने अब डायरेक्ट अपना शिपमेंट डायरेक्ट बिना कहीं रुके भारत भेजना शुरू कर दिया है। चाबहार पोर्ट से अब ईरान की डायरेक्ट शिपमेंट जो डायरेक्ट शिप है वो मुंबई के नवाशेवा पोर्ट तक आना शुरू हो चुका है। यूएई ने एक बड़ा कदम उठाया, जैसे ही सऊदी अरब ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को ठीक किया, यूएई ने ईरान पर जो पाबंदियां अमेरिका के इशारे पर लगाई थी उनमें काफ़ी कटौती कर दी, ईरान पर से पाबंदियां बहुत सारी हटा दी। अब बड़ी खबर ये और कंफर्म हो रही है और रिपोर्ट के साथ कर रहा हूँ, सबूत के साथ कंफर्म कर रहा हूँ कि यूएई ने ईरान के साथ अपने अब बिजनेस को बढ़ा लिया है। उधर दोस्तों, ईरान को खुली धमकी इसराइल के मूसाद के चीफ ने दी है। आपको बताना चाहूँगा, इसराइल के अखबार में सनसनी मच चुकी है, ये धमकी काफ़ी बड़ी है। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि मूसाद के चीफ ने क्या कहा। मूसाद के चीफ ने कहा कि ईरान को जो एडवांस हथियार रशिया दे रहा है ये हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा है, ईरान पहले से ही ड्रोन और कई तरह के हथियार दे रहा है रशिया को, बदले में रशिया कुछ ख़तरनाक जो हथियार दे रहा है वो हमारे लिए एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, बड़ा ख़तरा है, हमारी सिक्योरिटी को एक बड़ा ख़तरा हो गया है। और अगर ईरान ने न्यूक्लियर बनाना नहीं बंद किया और न्यूक्लियर की तरफ कदम आगे बढ़ाना बंद नहीं किया
तो हम ईरान पर अटैक कर देंगे। और मुसाद के चीफ ने यह भी कहा कि इस साल पूरी दुनिया भर में 27 अटैक हमने जो यहूदियों पर होने वाले थे हमने रोके हैं। दोस्तों, ईरान को सीधा ख़त्म करने की बात मुसाद ने करके एक बार फिर से बता दिया है कि जो कुछ भी इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे अमेरिका और इज़राइल हैं। आपको बताना चाहूँगा एक और बड़ी खबर, UNSCO की मीटिंग सऊदी अरब में हो रही है। इससे पहले जब ये मीटिंग होने वाली थी तो इज़राइल ने खुद रिक्वेस्ट किया था सऊदी अरब से कि भाई साहब आप हमारे विदेश मंत्री और कुछ नेताओं को आने दीजिए। सऊदी अरब ने इनकार कर दिया था कि नहीं भाई साहब, हमारी पूंछ में आग लग जाएगी और मुसलमान हमें गाली देकर लानत सारा दिन भेजेंगे, लिहाजा हम पंगा ऐसे नहीं ले सकते। हत्ता कि अमेरिका ने भी इज़राइल से कहा कि आप मत जाइए, इस वक्त आपके मतलब का माहौल नहीं है। लेकिन इज़राइल ने खूब प्रेशर बनाया। सऊदी अरब भी यानी मोहम्मद बिन सलमान भी मुसलमानों के कुछ ज़्यादा सगे नहीं हैं। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी चालाकी से क्या किया, इज़राइल के बड़े बड़े नेताओं को तो परमिशन नहीं दी, छोटे मोटे नेताओं को इज़राइल के ऑफिशल्स को परमिशन दे दी, वीज़ा दे दिया। अब आपको बता दूं, UNSC की मीटिंग इस वक्त सऊदी अरब में हो रही है और 9 से 10 इज़राइल के ऑफिशियल, छोटे मोटे ऑफिशियल सऊदी अरब में UNSCO की मीटिंग में मौजूद हैं। इतनी आसान जबान में और इतने तरीके से आपको कोई कौन खबर बताएगा, मैं बताऊंगा, है ना। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की तरफ से एक रॉकेट दागा गया, ये तस्वीर है। अलग से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वीडियो का समय लंबा ना हो। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि वेस्ट बैंक के इलाके से इसराइल के ऊपर रॉकेट जो दागा गया है वो रॉकेट फेल हो गया। अब इस फेल रॉकेट की वजह से इसराइल इनका हाल क्या करेगा ये दागने वालों ने सोचा भी नहीं होगा। ये फूलझड़ियाँ छोड़ते हैं वो मिज़ाइल दागता है, ये फुस्सी मारते हैं वो एयर स्ट्राइक करता है। ये समझ में नहीं आ रही फिलिस्तीनियों को बात। सूडान के हालात बड़े ही बदतर हैं, आपकी रूह कांप जाएगी जो आपको अब खबर बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री आपस में भिड़ी हुई है, ये तो पता है आपको। सूडान की एक मार्केट, चलती फिरती मार्केट के ऊपर हवाई हमला किया गया जिसमें 43 से 45 लोगों के मारे जाने की कंफर्म खबर है। घायल के तो मैं बता ही नहीं रहा कितने हैं, लेकिन 40 से 45 लोग कंफर्म मारे गए। और वो एयर स्ट्राइक मिलिट्री ने किया या पैरामिलिट्री ने ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। मोरक्को के हालात बेहाल हैं, बहुत लोग मारे गए हैं और मोरक्को का नुकसान बहुत हुआ है। अब इंसानियत की मिसाल पोप फ्रांसिस ने दी है। पोप फ्रांसिस ने यानी ईसाइयों के धर्मगुरु ने मोरक्को के लोगों के लिए दुआ करवाई है। al caro popolo del Marocco, colpito da un devastante terremoto. Prego per i feriti, per coloro che hanno perso la vita, tanti, Ringrazio i soccorritori e quanto si stanno adoperando per alleviare le sofferenze della gente. Il concreto aiuto di tutti possa sostenere la popolazione in questo tragico momento. Siamo vicini al popolo di Marocco. A tutti voi auguro buona... Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Middle East की खास रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।